मैं कहीं पढ़ रहा था कि दीदी ने कहा है कि चाय वाले ने 5 वर्ष में सिर्फ विदेश यात्राएं की है। अरे दीदी, आज दुनिया में भारत का दम दिख रहा है, भारत का डंका बज रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं विदेशी यात्राओं में भारत के 130 करोड़ लोगों की बुलंद आवाज दूसरे देशों तक पहुंची है। आप याद करिए साथियों, 5 वर्ष पहले तक किसी भी मुद्दे पर दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए हमारा दम फूल जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जो देश पहले हमें महंगे दामों पर तेल और गैस बेचते थे, 20-20 साल के समझौते होकर के पड़े थे, आने वाले 20 साल उतना ही महंगा तेल और गैस आने वाला था, लेकिन मोदी आने के बाद उनसे बातचीत की, उन करारों पर पुनर्चर्चा की और पुरानी सरकार जो दाम तय करके बैठी थी, जो देने के लिए कानूनन हम बंधे हुए थे, लेकिन हमने दोस्ताना तरीके से बात की, चर्चा की, समझाया और हमने दाम कम करवाए। भाइयों, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी और राजदार पकड़ करके भारत लाए गए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि अनेक देश भारत के साथ समझौता किया है, उनकी बैंकों में अगर कोई भारतीय पैसे रखेगा तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वो देश हमको, भारत को देगा। अब भारत से काला धन का कारोबार दुनिया की बैंकों में कोई नहीं कर पाएगा और दुनिया के देशों को बैंकों से हमने समझौता किया है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि इन 5 वर्षों में अनेक देशों ने हमारे देश में से पहले खबरें आती थी कि फलानी 2000 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, 500 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, सरस्वती माता की मूर्ति चोरी हो गई, हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई, ये खबरें आती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी के आने के बाद अनेक देशों ने ऐसी सैकड़ों मूर्तियां जो कोई चोरी करके ले गए थे उनको पकड़ करके, खोज करके भारत को वापस की। ये हमारी विरासत हमें लौटा दी गई है। जो यहां से चोरी करके ले जा गई थी, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जहां एक तरफ सऊदी अरब भारत के साथ अपनी दोस्ती में 800 से ज्यादा भारतीय कैदियों को रिहा करता है, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में कुछ लोगों का आधा दिमाग ही चलता है, आधा, और इसलिए उस दिमाग में काम आने वाली चीज को तो वो उछालते हैं और आधा दिमाग सुन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि यूएई ने, अबू धाबी ने पिछले दिनों मोदी को एक अवार्ड दिया। वो अवार्ड तो भारत का सम्मान था,
यहां तूफान खड़ा हो गया, अरे यहां भारत में चुनाव है और तुमने अवार्ड कैसे दे दिया, अवार्ड कैसे दे दिया, ये मोदी तो वहां जाएगा, टिकना होगा, फलाना होगा, तूफान मचा दिया। लेकिन इसी समय में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस यहां आए, मैंने उनसे दो बातें कही। मैंने कहा भारत में मिडिल क्लास बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमान की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, वो हज यात्रा करना चाहता है, उनका कोटा बढ़ा दीजिए। मैंने उनसे मांग की 2 लाख बढ़ा दीजिए, उन्होंने 2 लाख बढ़ा दिया, मंजूर कर दिया। दूसरा मैंने कहा हमारे देश के नागरिक करीब 800 से ज्यादा सऊदी अरेबिया की जेल में है और रमजान का महीना आ रहा है, आप उनको छोड़ दीजिए, आप हैरान हो जाओगे। 12 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने निर्णय कर लिया। भाइयों बहनों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भारत के 800 से ज्यादा नागरिक जेल से छूट के आए हैं, खबरें दबा दी गई, लेकिन ये ही ने अवार्ड दे दिया, उसको रो लेकर के मोदी को ढेर सारी गालियां दे दी। भाइयों बहनों, संयुक्त अरब अमीरात अपनी दोस्ती में वहां एक मंदिर भी बना रहा है, हमारे बंगाल में रामनवमी करनी है तो तकलीफ, सरस्वती पूजा करनी है तो तकलीफ, दुर्गा पूजा मनानी है तो तकलीफ, लेकिन ये हिंदुस्तान के चौकीदार के संबंधों का रूप देखिए कि आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने का शिलान्यास ये 20 तारीख को हो गया। दीदी, अरे मोदी से नहीं सीखना है तो कुछ नहीं, ये यूएई वालों से तो सीखो। ये भारत की बढ़ती ताकत ही है, असर है कि विदेश में आतंकियों के चंगुल में फंसे देशवासियों को हम सुरक्षित निकाल करके वापस ला पा रहे हैं। यहां पश्चिम बंगाल की बेटी, ये भी मीडिया वालों ने बात को दबा दिया, क्योंकि उनको मालूम है अगर ऐसी बातें आती हैं तो भाजपा का जो असली चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की असली सोच है, वो लोगों तक पहुंचेगी तो उनके झूठ के पर्दाफाश हो जाएंगे। भाइयों बहनों, बंगाल की बेटी, ये हमारा बंगाल की बेटी जुडिथ डिसोजा, वो अफगानिस्तान में भगवान यीशु का संदेश पहुंचाने के लिए काम कर रही थी, आतंकवादियों ने उसको किडनैप कर लिया। अब कल्पना कर सकते हैं, एक जवान बेटी आतंकवादियों के कब्जे में गई, तब हमारी मुसीबत कितनी बड़ी आई होगी, कितनी परेशानी पैदा हुई होगी, हम किसको क्या जवाब देंगे, हमारे मन पे बड़ा बोझ था। हम लगातार कोशिश करते रहे, डिप्लोमेटिक रिलेशन का जितना उपयोग कर सकते कर पाए, और मुझे खुशी हुई तो बेटी हमारी सही सलामत लौट आई और बंगाल को हमने वापस पहुंचा दी। भाई, ये काम हम करते हैं। और कहती है विदेश में दौरा करते हैं, अरे ये दौरे से ही है कैसे हमारी बेटियों को हम ला पाते हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। ममता दीदी, भारत की बढ़ती ताकत ने भारत के पासपोर्ट की ताकत को भी बढ़ा दी है। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि विदेश में विदेशी निवेश आज विदेशों से हिंदुस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, रिकॉर्ड संख्या में विदेशी टूरिस्ट आज भारत आ रहे हैं। साथियों, याद करिए बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद कितने वर्षों से चल रहा था, कितनी सरकारें आई और गई, हमारे लाखों नागरिकों का जीवन अधर में लटका हुआ था, हमने विवाद भी हल करने का काम किया।